लापता हुए संजय पांडे। जी हाँ, भोजपुरी के दिग्गज खलनायक संजय पांडे लापता हो चुके हैं, और वो भी कहीं और से नहीं, अपनी रिसेंट फिल्म की शूटिंग कर रहे थे ससुरा बड़ा सतावेला, और यहीं से वो लापता हो गए हैं। और इसका फरमान फिल्म के पीआर ने, हाँ, इस बात की पुष्टि फिल्म के पीआर शशिकांत ने की है, और इसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अपडेट किया है। साथ ही एक नोट जारी किया गया है जिसमें संजय पांडे की फोटो छापी गई है, और ये कहा गया है कि ससुरा बड़ा सतावेला के शूटिंग स्पॉट से संजय पांडे लापता हो गए हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो ढूंढने वाले को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। 20 लाख जैसी बड़ी राशि का इनाम रखा गया है। जब अगर संजय पांडे किसी को भी मिलते हैं तो उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ सच है, तो हम आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पांडे। कल एक पोस्टर मेरा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि संजय पांडे लापता है। तो दोस्तों, वो मेरी फिल्म का एक सीन था। मैं लापता नहीं हुआ हूँ, मैं सेट पे हूँ। मेरी एक फिल्म का सीन था जिसमें दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाते हैं, तो मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे को एक्टर्स ने वो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, जिससे आप सब लोग बहुत चिंतित हुए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग परेशान हुए मुझे लेकर, और आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं ये जानकर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे पास, मेरे को एक्टर्स के पास, मेरे जानने वालों के पास, कि संजय जी कहाँ हैं, संजय जी कहाँ हैं। आपका प्यार देखकर मुझे लगा कि शायद आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं से आहत हुई हैं। आप चिंतित हुए हैं मुझे लेकर, इस बात की बहुत खुशी हुई, और साथ ही इस बात का दुख है कि आप दुखी हुए मेरी इस खबर को सुन के। ये खबर बिल्कुल झूठी है, ये जस्ट एक फिल्म का सीन है। उस फिल्म में जो किरदार है, जो फिल्म मैं अभी कर रहा हूँ ससुरा बड़ा सतावेला, उस फिल्म में जो किरदार है, फिल्म के सेट से ही ये सारी खबरें उड़ाई गई हैं, और संजय पांडे भी इस बात को जानते हैं, और इस पोस्ट को लेकर काफ़ी मजाक भी बनाया गया। बाद में सोशल मीडिया साइट्स पर इसे अपलोड भी किया गया। कुछ देर में ये न्यूज़ वायरल भी हो गई, लेकिन थोड़े ही समय बाद ये पता चला कि ये सब कुछ संजय पांडे को सताने के लिए किया गया है। वैसे भी ऐसे कई इंसिडेंट्स होते रहते हैं सेट पर, ऐसे ही हमारे स्टार्स टाइम पास करते हैं एक दूसरे का मजाक बनाकर। वैसे भी काम करते वक्त इस तरह के मजाक बनना अच्छी बात होती है, तब काम करने का जो एक जज्बा है वो भी बना रहता है, और काफ़ी मन भी लगा रहता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।